कमलनाथ ने देश भर में कांग्रेस के चुनावी रुझानों पर कहा कि हाँ, मैंने देखा कि पार्टी 214 पर आगे चल रही है, यह अच्छी बात है, यह वही है जो समाचारों में बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यहाँ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। यहाँ नकुलनाथ का मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से है। इस बीच अपने बेटे और पार्टी उम्मीदवार नकुलनाथ के शुरुआती रुझानों में पीछे रहने पर कांग्रेस नेता कमलनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो है सो है, हम इसकी जांच करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश भर में कांग्रेस के चुनावी रुझानों पर कहा कि हाँ, मैंने देखा कि पार्टी 214 पर आगे चल रही है, यह अच्छी बात है, यह वही है जो समाचारों में बताया जा रहा है। हम देखेंगे कि वास्तव में क्या होता है। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीता था। अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी। अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसीसी कार्यालय। यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा।